तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को बता दें, अभी इस वक्त हम हैं आपके जनेश्वर मिश्र पार्क में, साथ में सर हैं। आपको बता दें, इनका एक इंस्टीट्यूट चलता है, श्री हरिश्चंद कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो सराय बीका जौनपुर में पड़ता है, और वहाँ से ये टूर पे आए हुए हैं बच्चों के लिए पिकनिक मनाने। आपको बता दें, लमसम 200 किलोमीटर दूर से सर आए हुए हैं। आइए सर से दो चार बातें जानते हैं और इनके इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। सर, थोड़ा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, कैसे आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं? हम लोग बच्चों को टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करते हैं। हाँ? और इसके बाद फिर एक टाइम होता है, उस टाइम से आते हैं बच्चे, पढ़ के जाते हैं। हाँ? और सारे सब्जेक्ट चलवाते हैं। हाँ? जो उनके लिए बेटर होता है, एग्जाम के लिए। हाँ? अच्छा होता है। और आप लोग कैसे ये ख्याल आता है कि हम भी टूर पे लेके चलते हैं? अक्सर देखा जाता है कि ये सब स्कूल के अंदर होता है, कोचिंग के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ये सब नहीं देखा जाता, लेकिन लगभग हम जैसे कि जान रहे हैं, लगभग 2 साल से आप टूर पे बच्चों को लेके जा रहे हैं, ये कैसे ख्याल आया कि हम लोग भी टूर पे लेके जाएंगे? ये होता है कि टूर पर जाने से बच्चों को ये एक अनुभव होता है कि वो वहाँ की चीज़ें देखते हैं, वहाँ के बारे में देखते हैं, फिर अपने गांव से या फिर शहर की तुलना करते हैं, हमारे यहाँ कितने हम पीछे हैं, कितने आगे हैं, क्या कर रहे हैं, और इसी चीज को देखते हुए हम लोग टूर को ले जाना शुरू किए कि जिससे वो लोग वहाँ जाएँ, कुछ अनुभव करें, देखें और अपने आप को फील करें कि मतलब हम किस तरीके से रह रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहें। कहाँ कहाँ सभी बच्चों को हम लोग घुमाएंगे वो सब आप देख पाएंगे इस वीडियो के अंत तक। बहुत अच्छी दोस्ती हो ना, तो दोस्ती की कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। दोस्ती लंबी चलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं जो यहाँ पे टूर पे आए हुए हैं आपके शहर सराय बीका, जो जौनपुर में पड़ता है आपके मछली शहर के पास में। और आइए जानते हैं इनको टूर कैसा लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हैं आलोक जी। आलोक जी, कैसा टूर लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आया? बहुत। कैसा लगा पार्क? बहुत अच्छा पार्क। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए एंजॉय कीजिए पार्क का। और सेकंड नंबर पे भाई, आप अपना नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। और कैसा लग रहा है पार्क? पार्क बहुत अच्छा है। पार्क अच्छा है। और पहली बार आए लखनऊ? यस। तो चलिए एंजॉय कीजिए। अपना नाम बताना। आर्यन गुप्ता। आर्यन गुप्ता जी हैं, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और घूमने में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। पहली बार लखनऊ आए? पहली बार। अपना नाम बताना यार। आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता जी हैं, बताइए। और आज पहली बार लखनऊ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। यस सर। तो चलिए, जनेश्वर में पहली बार आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए। जल्दी जल्दी एंजॉय कीजिए जिससे आप लोग ज़्यादा जगह कवर कर पाएँ। ये अपना भाई, अपना नाम बताइए। शुभम प्रियवती। शुभम जी हैं, और बताइए कैसा लग रहा है पार्क? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। तो चलिए, तो एंजॉय कीजिए इस पार्क को। यस सर। भाई अपना नाम बताना। मोहम्मद सादाब से। हाँ, और बताइए पार्क कैसा लग रहा है? बस बहुत अच्छा लग रहा है। पार्क अच्छा लग रहा है। एक नंबर। और किस स्कूल में हो? बस हम JDIC। अच्छा, JDIC में। चलो, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। तो चलो, ये छोटा भाई अपना, क्या नाम है यार? माय नेम इज निखिल पटेल। निखिल पटेल, कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। पहली बार आया? यस। घर वालों ने इजाजत दे दिया? यस। आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे टहल रहे हैं। हम लोगों के समय में इतनी ज्यादा क्या कहते हैं, इजाजत नहीं थी, छूट नहीं थी। और इन लोगों का ये सौभाग्य है कि ये लोग घूम रहे हैं, एंजॉय करें, और बचपन से ही ये घूम टहल रहे हैं। ये भाई अपना, छोटा भाई, नाम बताना यार। हिमांशु पटेल। हिमांशु पटेल, कैसे यहाँ पे आना हुआ? टूर की तरफ से घूमने आए थे। हाँ, टूर की तरफ से घूमने आए हो, तो कैसा लग रहा है ये पार्क? अच्छा। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत। आपके लखनऊ के टूर का फर्स्ट प्लेस है जनेश्वर मिश्र पार्क, जो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। और इसकी खास बात यह है कि यह एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क के अंदर सभी लोग काफ़ी देर तक एंजॉय करने के बाद, अभी हम लोग चल रहे हैं, पहले रेस्ट करेंगे, फिर भोजन करेंगे, फिर हम लोग दूसरे पार्क के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें, ये पार्क इतना विशाल है, इतना बड़ा है, अगर यहाँ घूमा जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन और प्लेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग चल रहे हैं अपने दूसरे प्लेस के विजिट पर। आप सभी को बता दें कि अभी बच्चे थक गए थे, तो भोजन वोजन करके यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भाई लोग, कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, सब बढ़िया। और आप देख सकते हैं, इस पार्क के अंदर सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठकर भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे जू के लिए।
हमारा पहला टूर कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग दूसरा सफर स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजिकल पार्क के लिए। अभी आपकी जो टूर बस है वो पहुंच चुकी है आपके सेकंड प्लेस पर जूलॉजिकल पार्क के पार्किंग में। आपका जो लखनऊ का जू है वहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी पार्किंग में। सबसे पहले हम लोग करेंगे टिकट का अरेंजमेंट, देन इसके बाद हम लोग चलेंगे आपके जू के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके टिकट प्राइस के बारे में तो आपको बता दें जितने भी 12 साल के ऊपर हैं जो एडल्ट में आते हैं उनका 80 रुपये है और जो भी 12 साल के नीचे हैं उनका 40 रुपये टिकट प्राइस यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो आपको बता दें अभी इस वक्त हमें जूलॉजिकल पार्क के अंदर, आइए अब हम लोग चलते हैं कंप्लीट इस जू को एंजॉय करने। आपको बता दें कि सभी लोग की एंट्री हो गई है आपके जूलॉजिकल पार्क के अंदर और सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं कम्प्लीटली फुली एंजॉय करने के लिए, तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो आज सेकंड के पार्क के दिन कैसा लग रहा है कि बच्चों को लेके आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा घूमने टहलने में लग रहा है, यहाँ देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। लखनऊ एक अच्छा शहर है। इस जूलॉजिकल पार्क के अंदर सबसे पहला जो एनिमल था वो है डियर, आपका हिरन। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शुतुरमुर्ग के पास। मछली घर देखना है, खाना नहीं। बच्चों का जो टूर आया हुआ है लखनऊ के लिए उसी के बारे में हम लोग सर से भी विचार जानेंगे। आप लोग अपने दोनों लोग विचार साझा कीजिएगा, आ जाइए। चलिए आप ही बोले, बोलिए सर। मैं संतोष कुमार पटेल है। हाँ, जो कि मैं हरिश्चंद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं टीचिंग का काम करता हूँ। तो बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है कि बच्चों को कुछ ना कुछ मनोरंजन साधन करा के फिर इसके बाद घुमा टहरा के फिर से उनके मन पढ़ाई में लगा जाए। क्या पढ़ाते हैं सर आप सब्जेक्ट? हम वहाँ पे रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं, तो केमिस्ट्री वैसे भी बोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है लोगों के द्वारा, तो कैसे एंटरटेनमेंट करते हैं बच्चों को? तो जो केमिस्ट्री की क्लास है अगर हम उसमें कंटिन्यू, हमारी जो क्लास है 50 मिनट की है। अच्छा, अगर 50 मिनट पढ़ाने में बिजी रहें तो समझ लीजिए बच्चे उब जाएंगे। उसमें बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो क्लास भी अच्छे से हो जाए और उनकी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से हो जाए। अच्छा, तो कितने बच्चे होंगे आपके इंस्टीट्यूट के अंदर? पूरे कंप्लीट इंस्टीट्यूट के अंदर कितने बच्चे हैं और आप टूर कितने बच्चों का लेके आए? 500 प्लस इंस्टीट्यूट में हैं और इसके बाद टूर में यहाँ 60 प्लस बच्चे आए हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट से। अच्छा,
मैनेजमेंट कैसा चल रहा है बच्चों के द्वारा? तो बच्चों के द्वारा जो हमारे बच्चे आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है, सब अनुशासन में है, कोई अनुशासनहीनता नहीं है और वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से। सेकंड जो टूर था हमारा जुलोजिकल पार्क, वो कंप्लीट हो गया। अभी इस वक्त हमें आपके मुख्यमंत्री आवास होते हुए 1090 चल रहे हैं। लोहिया पथ का खूबसूरत व्यू आप लोग देखिए। 1090 पहुंचने के बाद हम लोग चलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर्यटन स्थल। ये 1090 चौराहा है, आपको बता दें पूरे कंप्लीट लखनऊ में बहुत ही फेमस है। और ये गेट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का। और इसके बाद आपका अभी देख सकते हैं, ये आपकी गोमती नदी के ऊपर का पुल है, सामने आपका अंबेडकर पार्क दिख रहा है। अभी इस वक्त हमें अंबेडकर पार्क के अंदर आइए, इसका खूबसूरत नज़ारा और व्यू लेते हैं। आपको बता दें बहुत ही खूबसूरत ये पार्क बना हुआ है। आपको बता दें कि यह पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है, उनकी याद में समर्पित है। और इस पार्क की टोटल कॉस्ट आपको बता दें 6 बिलियन इंडियन रुपीज़ में, लगभग 600 करोड़ रुपये इस पार्क की टोटल लागत लगी हुई है। 600 करोड़ रुपये में ये पार्क बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें यहाँ पे 124 टोटल हाथियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। आप सभी को बता दें कि जैसा लास्ट पार्क है आज के दिन का, और सारे बच्चे बहुत एंजॉय किए और थक भी गए हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? एकदम मजा आ रहा है, एकदम। कैसा लगा यहाँ पे लखनऊ में आके? एकदम मस्त, मजा आ गया। आपको बता दें कि ये है टूर का दूसरा दिन, और अभी हम लोग चल रहे हैं इमामबाड़ा की तरफ। आपके समता मूलक चौक से होते हुए चल रहे हैं इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा, शाही बावली और आपका पिक्चर गैलरी। आपको बता दें कि आपकी जो टूर बस है वो पहुंच चुकी है आपके रूमी दरवाजा। फ्रंट में आप रूमी दरवाजा देख सकते हैं, और ये बगल में आप देख सकते हैं ये है आपका भूल भुलैया या बड़ा इमामबाड़ा। इसी के अंदर भूल भुलैया भी है। ये अभी आप देख सकते हैं बड़ा इमामबाड़ा का पूरा कंप्लीट परिसर। और अब हम लोग चल रहे हैं आपके भूल भुलैया की तरफ, फिर आपके जो इमामबाड़ा से जुड़ी चीज़ें हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। और इसमें बच्चों को टहलाने के बाद छोटा इमामबाड़ा, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे प्लेसियो मॉल, लुलू मॉल। आप सभी को बता दें अभी इस वक्त हम हैं जो भूल भुलैया का सबसे टॉप फ्लोर है उस पर, और इसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर, क्योंकि सबसे पहले हम लोग आ गए हैं टॉप फ्लोर पे, जैसा कि आप पूरा कंप्लीट देख पाएंगे। और टॉप फ्लोर से फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर भूल भुलैया के अंदर। दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, जिसको जाना तो बगैर। ये आप देख सकते हैं छोटा इमामबाड़ा, इसके बाद ये सतखंडा, शाही बावली, घंटा घर, ये पिक्चर गैलरी। आइए पिक्चर गैलरी के अंदर चलते हैं। तो साथियों आप सभी को बता दें कि जैसा हम हैं और संतोष पटेल जी हैं, और आपको बता दें कि आज टूर का जो है दूसरा दिन है, और हम लोग कहाँ कहाँ घूमे हैं वो सर से ही जानेंगे। सर बताइए कहाँ कहाँ घुमाए हैं, अब इसके बाद कहाँ कहाँ चलने वाले हैं? जैसा कि सर कल हम जब घर से निकले हुए हैं, तो सर सबसे पहले हम अंबेडकर पार्क गए हैं, इसके बाद चिड़ियाघर गए, जनेश्वर पार्क गए, और वहां से फिर प्लान हमारा समाप्त हुआ। आज की फिर दूसरे दिन के टूर के सुबह निकले और सीधे यहां पे हम इमामबाड़ा भूल भुलैया यहां पे आके खड़े हुए हैं, और अपने बच्चों के साथ है इसे इमामबाड़ा और घंटाघर में हम घूम रहे हैं। तो साथियों आप सभी को बता दें कि जैसा सर ने बताया, हम लोग सबसे पहले आए जब यहाँ पे जनेश्वर गए, जनेश्वर के बाद आपका गए जू, जू के बाद हम लोग गए आपके अंबेडकर पार्क के बाद हम लोग फिर रेस्ट किए, मंगलम गेस्ट हाउस हम लोगों ने बुक किया था, वहाँ पे सारे बच्चे रेस्ट किए। उसके बाद फिर हम लोग आए बड़े इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी के बरामदे में है, और यहाँ पे हम लोग घंटा घर घूमे, यहाँ से निकलने के बाद और लुलू मॉल, फिर इसके बाद ये टूर समाप्त हो जाएगा। फिर सर जहाँ से आए हुए हैं फिर वहाँ पे चले जाएंगे। सर पहले आप आए कहाँ से वो फिर एक बार बता दीजिए। जौनपुर से छोटे से तहसील मछली शहर में स्थित है सरायविका। सरायविका श्री हरिश्चंद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, और हम हमारे बच्चे और हमारे समस्त स्टाफगढ़ के साथ है इस टूर में आए हैं, और यहाँ पे हम लखनऊ में आके आनंद उठा रहे हैं इस टूर के लिए। ठीक है साथियों बने रहिए, अभी हम लोग चलने वाले हैं लुलू मॉल। आपको बता दें कि अभी ये गाड़ी पहुँच चुकी है लुलू मॉल, और ये आखिरी ट्रिप होगा बच्चों का, और इस ट्रिप के बाद इसका द एंड हो जाएगा इस वीडियो का। इसके बाद सब लोग बच्चे अपने घर चले जाएंगे। और लुलू मॉल साइड में आपका ये गोल्ड सिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं।
ताजमहल का ये मिड पॉइंट है, आप देख सकते हैं। आपका फेवरेट मनपसंद फ़ोन आईफोन। लास्ट जो टूर था ये आपका था लुलू मॉल, और लुलू मॉल के बाद सभी लोग अब जाएंगे घर की तरफ। लगभग आपको बता दें जौनपुर की दूरी जो है वो 200 किलोमीटर की दूरी है। तो आप सभी को बता दें कि जैसा कि हम लोगों ने टूर समाप्त कर दिया, और सर हैं, सर बताएंगे और सभी बच्चों को घूम कर कैसा लगा, आप थोड़ा अपने नज़रिए से बताइएगा सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया। बच्चे इस टूर के लेकर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और घूमते हुए बहुत प्रसन्न हुए हैं। ठीक है, इस टूर के लिए देखिए हमने जहाँ जहाँ प्लेस है चॉइस किया था, हर प्लेस में उन्होंने अच्छे से इंजॉय किया है और बहुत ही बेहतर उनका टूर रहा है। और ये प्रसन्नता बच्चों के चेहरे पे साफ झलक रही है कि वो शायद इस टूर की से बहुत सारी चीज़ सीखे हुए हैं, और उनके इस राज्य के राजधानी में बहुत सारी चीज़ क्या क्या चीज़ें जो चीज़ उन्होंने देख पाया उस चीज़ को देख उन्होंने आनंद उठाया हुआ है। जैसा कि उत्तर प्रदेश लखनऊ आपका है राजधानी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लोगों ने इन्जॉय किया, जिसमें से आपके सबसे बड़े पार्क की बात करें जनेश्वर मिश्रा पार्क, फिर अम्बेडकर पार्क की बात करें जो परिवर्तन स्थल के नाम पर जाना जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है लखनऊ जू, उसके साथ आपका ये सबसे एशिया का सबसे बड़ा मॉल जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं आपका लुलू हाइपर मार्केट। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं लुलू हाइपर मार्केट जो लास्ट हम लोगों का ट्रिप था, और सबसे ज़्यादा एंजॉय यही मिला, सबसे ज़्यादा एंजॉय मिला और यहाँ पे देखने को बहुत ही मज़ा आया। रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें थी और चीज़ को हमने लुत्फ उठाया है, और ये चीज़ें हमारे बच्चे भी कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो आइए, कौन शेयर करना चाहता है? तो चलो बताओ कैसा लगा घूमकर, एंजॉय किया? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? ठीक ठीक अच्छा बढ़िया लगा। तो यहाँ पे आने के बाद क्या लग रहा है, बहुत मजा आया कि कम मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। चलो बढ़िया, आपको कैसा? सबसे बहुत अच्छा, लखनऊ बहुत अच्छा है, ठीक है, पूरा भारत बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा मॉल मॉल मजा आ गया ना। देखो बस बस ड्राइवर कहाँ गए आप लोगों की, लेके आ नहीं रहे तो बहुत जबरदस्ती किया गया तब लुलू मॉल लेके आए, लेकिन एकदम एंजॉय कर पाए लुलू मॉल के अंदर, और पार्क के अंदर वही पार्क देखते रह जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ के अंदर घूमने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन समय के अभाव और टूर प्लान के हिसाब से 2 दिन का टूर प्लान था, और 2 दिन में जितना मैक्सिमम आपके लिस्ट में था वहाँ वहाँ हम लोगों ने घूमा, एंजॉय किया। बाकी आप लोगों के साथ, आप लोगों की वजह से इस टूर का हिस्सा बनने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद। बाय 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 सबको।